स्वर्णा घर छोड़ के जा रही थी माँ, और कार्तिक उसका तो पूछिए मत, उसके समझ ही नहीं आता कि दिमाग में उसके चल क्या रहा है। दुल्हन को साथ नहीं लाए दूल्हे राजा, ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। बाकी पंडित जी से बात हो गई थी, उन्होंने सब बता दिया हमें। तो कहां की शादी फिर, वो तो चले गए थे वहां से। वो नहीं आई माँ, वो नहीं आई, वो इंतजार करता रहा, वो नहीं आई माँ। आपने जो सिंदूर दिया था वो लेके वेट करता रहा हूँ। मैंने फोन भी किया उसे पर कुछ नहीं, मैं घर चला गया उसके। तो कहने लगी कि हमारा रिश्ता टूट गया हुआ, वो टूट चुका है, वो टूटा रहेगा। मैं उससे कहा कि मैं भूल जाऊं उसको, कि मूव ऑन कर ले हम लोग लाइफ पे, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता माँ, मैं नहीं भूल सकता उसको माँ, मैं नहीं भूल सकता उसको, मैं नहीं जी सकता माँ। मैं नहीं समझ पा रहा क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, क्यों गए थे वहां, मिले बिना रह नहीं सकते उससे, क्यों किया उसने मेरे साथ ना? कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम प्यार करते थे एक दूसरे से। चुप हो जाओ बिल्कुल, बंद करो ये रोना धोना। जिस दिन से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई उसने तुम्हें तकलीफ ही दी है। केवल से मैं इस रिश्ते के खिलाफ तो बता खुल के कह नहीं पाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है, कभी कभी नहीं बात बन पाती, चाहे हम कितने भी अच्छे हो, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, समथिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। याद करके देखो जिस दिन से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई क्या हुआ है तुम्हारे साथ। पहले मर्डर का इल्जाम लगा, फिर हार्ट ब्रेक, शादी हुई तो अब तलाक हो गया, अब और बाकी क्या है, क्यों रो रहे हो? हम सबसे झगड़े, बाप से झगड़े, माँ की मर्जी के खिलाफ गए, किसी की नहीं सुनी। उसने जो अच्छा किया मैं वो भी नहीं भूल रहा हूँ, मुझे याद है, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारा हाल है उसे कैसे अनदेखा करूं, कैसे भूल जाऊं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। शक्लें देखो, इनकी आंखों में आंसू है तुम्हें देखकर, चेहरे लटके हुए हैं, दुख तकलीफ है इनके चेहरे पर, क्यों? उस नायरा की वजह से, जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। इससे अच्छा तो उससे शादी करके ही आ जाते, ऐसी मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला लेता और लोग तुम पर गुस्सा कर लेते, लेकिन कम से कम तुम्हारा हाल तो नहीं देखना पड़ता। देखो इसे चिराग है इस घर का, हमारे बुढ़ापे का सार अलम, कुछ का बड़ा भाई, उनका आदर्श, और हालत देखो इसकी, कैसे कैसे टूटा बिखरा पड़ा। किसकी वजह से? नायरा की वजह से। अरे इस बार अगर शादी के लिए हां कर दिया था तो क्यों नहीं आई तुमसे मिलने? इस बार क्यों तुम्हें तड़पा, इस बार क्यों धोखा दिया तुम्हें? मां को इससे पूछे इस बार क्या कारण है नायरा के पास इसके साथ ऐसा करने का। थक गया हूं, थक गया, टूट गए अपने बेटे का ये हाल देख देख के। हर रोज दुआ करता हूँ इसके लिए, हर रोज दुआ मांगता हूँ इसके लिए, लेकिन पता नहीं भगवान क्यों नाराज है, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं आती माँ। कार्तिक क्या करते हो मामा? कार्तिक मेरे बच्चे, मैं तो इंतजार करता रहा आपको कॉल करके। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज रुकना मत करो, हम कल ही शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा, तुम बस आ जाना। आई एम सॉरी कार्तिक, सॉरी कार्तिक, मैं क्या करती? कभी बिछाते फूल हर डगर में, फूल
रहा है, कुछ तो ऐसा है जो तू हम सबसे छुपा रही है। कुछ नहीं नानी, मैंने जो कहा नीचे सच कहा। हमें ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, ये गलत था, बहुत जल्दबाजी में लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे टाइम पर रियलाइज हो गया। नहीं, ये बात नहीं है बिटिया, बात तो कुछ और ही है जो तू हमसे। नानी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं, कल बात करें। मैं जानती हूँ मेरा नाम देखते ही कितना गुस्सा आया होगा आपको। आज जो हूँ उसके बाद नफरत करने लगी होंगी आप मुझसे, पर फिर भी हिम्मत कर रही हूँ कहने की। प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा, जो बात मैं कार्तिक से नहीं कह पाई वो आपसे कहना चाहती हूँ मां। प्लीज़ कॉल कीजिएगा, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि कार्तिक की खुशी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं वेट कर रही हूँ आपके कॉल का, आपकी नायरा। माँ, वही बोलना जो जरूरी है। हाँ माँ, बस वही कहूंगी। कार्तिक को मुझसे दूर करना होगा। बहुत बहुत दूर, ना सिर्फ एक दूसरे की आंखों से बल्कि दिल से भी दूर जाना होगा, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हम दोनों कार्तिक से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उसकी खुशियां चाहते हैं, इसलिए ये काम हमें मिलके करना होगा। अगर मैं अकेले करने गई तो फिर से वही होगा जो आज हुआ, फिर से सबका दिल दुखेगा। कार्तिक के दिल से मुझे निकालना है, उसे तोड़ना नहीं है, आप समझ रही हैं ना? प्लीज मां, ना मत कहिएगा। एक बार मिल लीजिए मुझे, सिर्फ एक बार। नहीं, जो भी कहना है यही पे कहो। यहाँ नहीं कह सकती मैं, मिलना जरूरी है। नहीं मिलना मुझे तुमसे। क्यों करती हो तुम बार बार ऐसा? मेरे बेटे के दिल में उम्मीद जगाती फिर उसे तोड़ देती हो। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा था ना, जैसा तुम चाहती थी। यहाँ तक मैं भी राजी हो गई थी। दिल पर पत्थर रख के तुम दोनों की शादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्तिक की खुशी के लिए। क्या हाल किया तुमने उसका, कैसे रोया मेरा बेटा, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है इस चीज का। आपको मिलना होगा, सिर्फ एक बार ही से, पर मिलना होगा कार्तिक के लिए। I'm sorry कार्तिक। क्या हुआ बिटिया? मम्मा की याद आ रही। आठ ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।